ये पुप्पो, मैं ना आज कुछ खिले खिले से रंग पहनना चाहती हूँ। मैं तो सारे रंग खिलते मेरी शहजादी। आपने ना नई वाली जूती पहननी है और ना मैचिंग लेंस भी लगा लेना। हिरनी जैसी आंखें, इसकी लेंस ना भी लगाए तो क्या है, जवानी तो होती है, हसीन है माशाल्लाह। तो बस फिर ये फाइनल हो गया ना, मैं इसकी तैयारी करती हूँ। आय हाय, आखिर केड़ी तैयारी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही ना, कौन से वलीमे की तैयारी है अब है? जवान होने की तैयारी अम्मा, मैं हसीन हूँ, जवान हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसलिए मुझे ना बन सवर कर रहना चाहिए, क्योंकि लड़कियों की अदाएं जो है ना वो ही उनका जेवर होता है। और हमारी अनी को तो अल्लाह ने हुसन के साथ साथ दिमाग भी दिया है। माशाल्लाह, जवान लड़की बनेरे फलांगने में जब छाका ना खाए ना, तो फिर दो ही रास्ते होते हैं। क्या? या दुनिया रहम खा ले या वो जहर खा ले। वरना? वरना जिंदगी जहर बन जाती है, पावे कितनी भी मिठी लगे। फिर मैं क्या करूं पप्पो? हिम्मत, मैं जानती हूँ तुम दोनों की मोहब्बत को, और ये भी जानती हूँ कि अगर कोई और जान गया ना, ये सब अपने मतलब के हैं, फैसला करके अपने अपने घर के हो जाएंगे, और रह जाती हैं हम। जिंदगी आगे दौड़ती रहती है, और कोई रोक के ये भी नहीं पूछता कि रोने की वजह क्या है या हंसने का बहाना क्या है। मौन अच्छा है, और तुम दोनों हक पे हो। मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, पर तेरे साथ मैं खड़ी हूँ। सच्ची पप्पो? अब बंदा इस घर में बेहोश भी नहीं हो सकता। अरे पप्पो, आराम से बेहोश हो जाए, आपका अपना घर है। ठीक, पानी डाल। मैं तो किसी को भूत खाने के काबिल नहीं रही। पहले मुझे बता दो कि मैंने क्या करना है। पप्पो, तुम ना अपनी जिंदगी से वैसी बड़ी परेशान हो, तो मैं ये कह रही थी कि वक्त निकाल के ना मर ही जाओ। ये बंदा ना 100 मंजिला बिल्डिंग से पटक के मार जाए, लेकिन किसी की नजर से गिर के ना मरे। बड़े गहरे जख्म लगते हैं, पुराने और भरते भी बड़ी मुश्किल से हैं। तू पागल हो गई है, हमें बना रही है। क्या हो गया पप्पो? खुशियां मना रही हूँ। ऐसे किसी का दिल नहीं तोड़ते, हाय लग सकती है। हाय भाई को छोड़ो, और ये बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? कल तक तो एक दुखी फिल्म चल रही थी, अब तो खुशियां मना रही है। देखो पप्पो, जो होना था वो हो गया, अब जो होने वाला है उसको तो एंजॉय कर लूँ ना। हे, वाकई खुशी खुशी? हाँ रानो, खुशी खुशी, तेरी बहन की शादी है, झूमो नाचो गाओ। तेरी हरकत से तो मैं बिल्कुल घूम गई हूँ। हाय अल्लाह पप्पो, अब आप फिर से ना बेहोश हो जाना। तेरी आंखों में नजर आ रहा है कि इस तार के कंडे तेरे दिल में चुभ रहे हैं। पप्पो आप क्या? अस्पताल में देखा था तुझे अरुण के साथ मैंने। वो तो बस ऐसे ही अब्बा का हाल पूछने आया था। हनी को भी देखा था मैंने, वो तो इश्क की रफ्तार में बहुत तेज भाग रही थी, इस डर से नहीं रोका कि अचानक रुकी तो गिर ना जाए। मुझे पता चल गया था कि जब हनी गई थी ना, तो उस घर की बुनियादें हिल गई थी। तूने अब इस रास्ते पे पहला कदम रखा, तेरी रफ्तार तेज हुई ना तो ये बुनियादें संभल नहीं पाएंगी। भाभी याद नहीं आती उसकी? नहीं। तुझे अपनी बेटी की याद नहीं आती? उसकी याद आने से पहले ही याद आती है उसकी बेसी, याद आती है उस कयामत की जो वो हम पर तोड़ कर गई है। उसे थोड़ी मालूम, उसे मालूम था, इज्जत का जनाजा निकलेगा उसे मालूम था, रात के अंधेरे में घर की दहलीज पार करना उसे मालूम था, और अगर किसी और को भी मालूम था तो मेरा रब उसे माफ करे। रब तो दिल तोड़ने वालों को भी माफ नहीं करता भाभी। तो तेरे ख्याल में उसने अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ा? तोड़ा ही नहीं है उसने, तो रोल के रख दिया। मगर फिर भी भाभी, फिर भी अगर तेरे दिल में उसकी याद आती है ना, तो उसका नाम अपने हलक से ना निकालना। सिर्फ मरी नहीं, फना हो गई है, तबाह कर गई है। अगर तूने उसका नाम लेके हमारे जख्मों पर नमक छिड़का ना,
तो मैं तेरी दुश्मन बन जाऊंगी, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।